हेलो दोस्तों, जेडके एक्वेरियम में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि बाउल में कौन सी फिशेस जिंदा रहती हैं और कौन सी फिशेस मरती हैं। तो आप कौन सी फिश बाउल में रखेंगे तो आपकी फिशेस नहीं मरेंगी, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कभी भी आप बाउल लीजिएगा तो छोटा बाउल बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि छोटे बाउल में स्पेस नहीं होती है कि मछलियां आपकी ज़्यादा मूव कर पाएं, और मछलियां छोटे बाउल में जल्दी मर जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है, जब आप बाउल लेंगे तो बड़ा बाउल लेंगे जिसमें फिशेस आपकी कुछ दिनों तक जिंदा रह पाए, और जिससे आपकी मछलियाँ मूव ज़्यादा करेंगी तो ज़्यादा दिन तक चलेंगी। बड़ा बाउल होगा तो पानी ज़्यादा दिनों तक रहेगा, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, बड़ा बाउल सही होता है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने बाउल के प्राइस के बारे में बताया है। तो हम आपको आज बताएंगे टॉप 5 फिशेस बाउल में जो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। तो सबसे पहले आप बड़ा बाउल लेंगे, बड़े बाउल में स्पेस ज़्यादा होती है जिसमें फिशेस ज़्यादा रहती हैं। बड़ा बाउल है तो आप एयर पंप भी लगा सकते हैं जिससे फिश को ऑक्सीजन मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जितने भी लोग बाउल खरीदते हैं सबसे पहले उसमें गोल्ड फिश ही डालते हैं, जैसे हमने भी गोल्ड फिश डाला है, इस वजह से आपको दिखाने के लिए डाला है, तो जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो गोल्ड फिश बाउल के लिए नहीं है, गोल्ड फिश जो है बाउल में नहीं चलती हैं, गोल्ड फिश बाउल में मर जाती हैं। आपको जो है गोल्ड फिश बाउल में नहीं रखना है, बाउल के लिए जो मछलियां हैं वही रखना है आपको, जिससे आपकी मछलियां चले। आप गोल्ड फिश चाहे जितना डालेंगे गोल्ड फिश आपके बाउल में नहीं चलेगी। तो आपको कौन सी फिश बाउल में डालना है, सबसे पहले जो नाम आता है गप्पी फिश का, जो हमने इस बाउल में डाल के रखा है, छोटा बाउल है वो हम आपको दिखाने के लिए इस बाउल में रखे हैं गप्पी फिश। गप्पी फिश अगर सर्दी में भी आप रख रहे हैं, पानी ठंडा है तब भी जो है गप्पी फिश को कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं कोई भी पानी हो, तो गप्पी फिश नंबर 1 पे आप रख सकते हैं। तो उसके बाद में आपकी मौली फिश आती है, ये इसमें मौली फिश है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हम पास करके दिखा दे रहे हैं आपको, ये मौली फिश है। मौली फिश जो है बच्चा पैदा करती है डायरेक्ट, तो इसको भी आप रख सकते हैं। ये जो है मौली फिश जो होती हैं, ये आप ठंडे पानी में भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत कम ही मरती हैं, तो मौली फिश आप रख सकते हैं। उसके बाद में नाम आता है सोबेटा फिश, आप रख सकते हैं। सोबेटा फिश जो होती हैं वो भी आपकी चल जाती हैं बाउल के लिए, वो सिंगल पीस रहती हैं, किसी भी बाउल हो या एक्वेरियम हो वो सिंगल पीस रहती हैं। तो सोबेटा आप अगर अपने एक्वेरियम में बाउल में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में आप टाइगर बार्ब रख सकते हैं, टाइगर बार्ब जो होती हैं वो भी मजबूत फिश होती हैं, आपके एक्वेरियम में बाउल में चल जाती हैं, बिना ऑक्सीजन के भी चल जाती हैं, तो ये रख सकते हैं आप। गप्पी हो गई, मौली हो गई, टेट्रा फिश आप रख सकते हैं, छोटी टेट्रा वो भी आपके बाउल में चल जाएंगी। उसके बाद में आप कार्प फिश भी रख सकते हैं, जैसे कार्प हो गई, छोटी शार्क हो गई, ये सब भी आप, जैसे इसमें जो पड़ी है कार्प हो गई, ग्रोमी फिश हो गई, ये सब बिना ऑक्सीजन के चल जाती हैं। तो अगर आपका बड़ा बाउल है तो आप कार्प फिश रख सकते हैं, लेकिन अगर छोटा बाउल है छोटे बाउल में दिक्कत होगी। जैसे अगर आपका बड़ा बाउल है, आप एयर पंप लगाए हैं और कार्प फिश रखे हैं, तो आपकी कार्प फिशेस चल जाती हैं। तो अगर आप अपने एक्वेरियम में मौली फिश, गप्पी फिश, उसके बाद में कार्प फिश रख सकते हैं, आप बेटा फिश रख सकते हैं, टेट्रा फिश रख सकते हैं, जो छोटी फिशेस होती हैं, सबसे अच्छा आपकी मौली, बेटा और गप्पी फिश होती हैं, ये सब बाउल में ज़्यादा रखती हैं। तो आप भी अपने बाउल में जो है गप्पी बेटा फिश रख सकते हैं। कौन से बाउल में आप मछलियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो बड़े बाउल में मछलियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो कौन सी फिश आपको अच्छी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ में अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो
एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके।